आज हमको डिस्कस करना था नॉन कॉन्टिगस मेमोरी एलोकेशन। उससे पहले मैं एक बात और बता दूं, कॉन्टिगस मेमोरी एलोकेशन में आपके सिलेबस में एक टॉपिक मेंशन है प्रोटेक्शन स्कीम। तो प्रोटेक्शन स्कीम में यही वाला फिगर एक्सप्लेन करना है जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, सीपीयू वाला, कि लॉजिकल एड्रेस लिमिट रजिस्टर से वैल्यू लेस होनी चाहिए, अगर लेस है तो आगे जाएगा, नहीं है तो एरर आएगी। इसके बाद रीलोकेशन रजिस्टर या बेस एड्रेस की वैल्यू प्लस कर दी जाएगी किसमें, लॉजिकल एड्रेस में, तो आपको फिजिकल मेमोरी एड्रेस मिल जाएगा। तो ये मैंने डिटेल में लास्ट वीडियो में पूरा डिस्कस किया हुआ है। तो प्रोटेक्शन स्कीम अगर कॉन्टिगस मेमोरी एलोकेशन में पूछा जाता है तो आप इसी फिगर को एक्सप्लेन करेंगे। अब मैं बताता हूँ नॉन कॉन्टिगस मेमोरी एलोकेशन। देखो भाई, नॉन कॉन्टिगस मेमोरी एलोकेशन क्या कहता है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई एक प्रोसेस है P1 जिसका साइज हमारे पास 4 है, ठीक, और हमारी सेकेंडरी मेमोरी में, सॉरी प्राइमरी मेमोरी में जो हमारी रैम है उसमें स्पेस इस तरीके से अवेलेबल है कि 2 MB ये ब्लैंक है, 1 MB ये ब्लैंक है और 1 MB यहाँ ब्लैंक है, बाकी सारा ऑक्यूपाइड है, ये ऑक्यूपाइड है, ये भी ऑक्यूपाइड है, ये भी ऑक्यूपाइड है, ठीक। 2 MB यहाँ स्पेस ब्लैंक है प्राइमरी मेमोरी में, 1 MB यहाँ ब्लैंक है और 1 MB यहाँ पे ब्लैंक है। तो कॉन्टिगस मेमोरी एलोकेशन में हम इस प्रोसेस को इसमें स्पेस नहीं दे पाएंगे, मतलब क्या होगा, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। तो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन की प्रॉब्लम हमारा रिमूव करता है कौन, जो मैं अभी डिस्कस करूंगा, पेजिंग। तो नॉन कॉन्टिगस मेमोरी एलोकेशन ये कहती है कि आप प्रोसेस को डिवाइड करके नॉन कॉन्टिगस मैनर में मेमोरी को एलोकेट कर सकते हैं, मतलब 2 MB यहां दे देंगे आप P1 प्रोसेस की, 1 MB यहां पे दे देंगे और 1 MB यहां पे दे देंगे, दैट इज कॉल्ड नॉन कॉन्टिगस मेमोरी एलोकेशन। अब इसमें देखिए पहला जो कॉन्सेप्ट है हमारा पेजिंग, पेजिंग हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब आप इस फिगर को देखिए, जो फिगर आपको बना हुआ दिख रहा है, मैं आपको पहले एक जनरल फिगर बताता हूं फिर मैं इसकी वर्किंग बताता हूं। इसमें क्या होता है, हम लोग एक पेज टेबल का यूज करते हैं, एक पेज टेबल होती है, हर एक प्रोसेस के एसोसिएटेड एक पेज टेबल आपके पास रहेगी। तो सीपीयू क्या करता है, जिस लॉजिकल एड्रेस को एक्सेस करना होता है उस लॉजिकल एड्रेस को 2 पार्ट में ब्रेक करता है, यह है हमारा क्या, लॉजिकल एड्रेस, उसको 2 पार्ट में ब्रेक करता है। यह है हमारा पेज नंबर, जो ये P लिखा हुआ है, दैट इज रेफरेंस फॉर पेज नंबर, ठीक। और ये जो होता है D, इसको बोलते हैं ऑफसेट वैल्यू, ऑफसेट कह लीजिएगा या बाइट फील्ड कह लीजिएगा, अभी आपके समझ में आ जाएगा ये ऑफसेट का मतलब क्या है। फिलहाल इतना समझिए कि लॉजिकल एड्रेस 2 पार्ट में डिवाइड होता है, पेज नंबर एंड ऑफसेट। इसके बाद फिजिकल एड्रेस जो होता है वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है, फर्स्ट वन दैट इज फ्रेम नंबर, फ्रेम नंबर, और ये कह लीजिएगा ऑफसेट, ठीक। तो ये हो गया पेज नंबर एंड ऑफसेट, ये हो गया फ्रेम नंबर एंड ऑफसेट। अब ये जो ऑफसेट आपका आ रहा है ये वैल्यू सेम होगी लॉजिकल एड्रेस में भी और फिजिकल एड्रेस में भी। अब इस पेज टेबल में क्या होता है, इस पेज नंबर के करस्पॉन्डिंग, जो ये पेज नंबर मैंने लिखा है, इस पेज नंबर के करस्पॉन्डिंग कौन सा फ्रेम होगा उसकी मैपिंग जो होती है इस पेज टेबल में होती है। हर एक पेज नंबर के करस्पॉन्डिंग कौन सा फ्रेम नंबर होगा, हर एक पेज टेबल का करस्पॉन्डिंग कौन सा फ्रेम नंबर होगा, उसकी एंट्री यहां पर होगी। तो देखो सीपीयू कैसे वर्क करेगा, प्रोसेस, कोई प्रोसेस होगी उसका एक पेज नंबर होगा, तो वो पेज नंबर से करस्पॉन्डिंग फ्रेम नंबर यहां से लेगा, उस पेज नंबर के करस्पॉन्डिंग फ्रेम नंबर इस पेज टेबल से लेगा, देन फिर उस फ्रेम नंबर पे जाएगा और इस ऑफसेट वैल्यू पे कुछ कैलकुलेशन करके ये फिजिकल एड्रेस को एक्सेस करेगा। ये मैंने आपको रॉ सेंस बताया, अभी आपको एग्जैक्ट वर्किंग इसके हम एक एक करके बताते हैं। अब देखिए थोड़ी सी कैलकुलेशन मैं आपको समझाता हूं। सपोज करो हमारे पास कोई प्रोसेस है, उस प्रोसेस का साइज है 4 बाइट, ठीक, और अब नॉन कॉन्टिगस मेमोरी एलोकेशन होता क्या है, ये हमारे पास एक कंप्लीट प्रोसेस है, ठीक है। हमने पहले ही कहा कि इस प्रोसेस, सपोज करो ये 4 बाइट की प्रोसेस है, तो हम जब एलोकेट करेंगे तो 2 MB कहीं देंगे, 2 MB कहीं देंगे, है ना। तो ये एक कंप्लीट प्रोसेस बहुत छोटे छोटे पेजेस में डिवाइड कर दी जाती है। ये क्या हो गए, ये एक थी आपकी कंप्लीट प्रोसेस और ये प्रोसेस डिवाइड होगी किसमें, पेजेस में, पेज नंबर 1, पेज नंबर 2,
ये एक पेज है, ये एक पेज है, ये एक पेज है। तो प्रोसेस जो होती है वो पेजेस में डिवाइड की जाती है, देन फिर ये पेजेस अलग अलग मेमोरी लोकेशंस पे एलोकेट कर दिए जाते हैं मेन मेमोरी में। अब देखो हमारे पास प्रोसेस साइज है 4 byte का, और अगर ये हमें जो पेज बनाना है इन पेज का साइज दिया गया है 2 byte का। जो पेज हम बनाएंगे पेज साइज कितना है 2 byte, तो नंबर ऑफ पेजेस कितने आपको जरूरत पड़ेगी, नंबर ऑफ पेजेस, तो जाहिर सी बात है 4 divided by 2 = 2 pages। ठीक, तो जो ये प्रोसेस होती है उसको हम छोटे छोटे पेज में डिवाइड करते हैं, और ये पेज फिर मेमोरी में अलग अलग लोकेशंस पे मैप किए जाते हैं नॉन कॉन्टिगस फैशन में। तो मैंने एक छोटी सी कैलकुलेशन बताई कि अगर प्रोसेस का साइज 4 MB है और एक पेज का साइज 2 MB है तो हमें 2 pages की जरूरत पड़ेगी, तो 2 byte के हम 2 pages में डिवाइड कर देंगे किसको, प्रोसेस को। ये तो ही प्रोसेस के एंड पे कहानी। ठीक, अब इधर देखो जरा, अगर आपके पास मेन मेमोरी जो आपकी है, मेन मेमोरी में अगर आपका टोटल साइज दिया गया 16 byte, आपकी जो मेन मेमोरी है वो 16 byte की है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इधर मेमोरी को छोटे छोटे फ्रेम्स में डिवाइड करता हूं। ये हमारी मेन मेमोरी है, आप मेन मेमोरी कह लीजिए, रैम कह लीजिए, फिजिकल मेमोरी कह लीजिए, बात एक ही है। इसको हम डिवाइड करते हैं छोटे छोटे फ्रेम्स, ये बन गए आपके फ्रेम्स। ठीक, अब अगर हमारे पास मेन मेमोरी का साइज है 16 byte और अगर फ्रेम साइज हमको दिया गया है 2 byte का, तो फिर नंबर ऑफ फ्रेम्स कितने बन जाएंगे इसमें, 16 divided by 2 = 8 frames आपके बन जाएंगे। अब देखो स्टार्टिंग से प्रोसेस छोटे छोटे पेज में डिवाइड होगा और वो पेज मेन मेमोरी में मैप किए जाएंगे, मेन मेमोरी छोटे छोटे फ्रेम्स में डिवाइड किया जाएगा, तो ये पेजेस इन फ्रेम्स में मैप होंगे जाके। सपोज करो एक पहला पेज यहां पर आ गया, इसके बाद ये वाला पेज सपोज करो इस फ्रेम में आ गया, इस तरीके से मैपिंग होगी। ठीक, तो ये नॉन कॉन्टिगस हो गई ना, ये सपोज करो पेज नंबर 0 है, ये सपोज करो पेज नंबर 1 है, पेज नंबर 0 हमने यहां मैप करा दिया और पेज नंबर 1 यहां पे मैप करा दिया। इस तरीके से प्रोसेस छोटे छोटे पेजेस में डिवाइड होके मेन मेमोरी के फ्रेम्स में मैप होती है या उसमें मेमोरी एलोकेट की जाती है। तो मेन मेमोरी किसमें डिवाइड की जाती है, फ्रेम्स में, और प्रोसेस किसमें डिवाइड किया जाएगा, पेजेस में, और फिर ये पेज इसमें मैप किया जाएगा, इसमें एलोकेट किया जाएगा। अब देखो समझने वाली बात क्या है, एक पेज का जो साइज होगा, एक पेज का जो साइज होगा और इधर जो एक फ्रेम का साइज होगा वो सेम होना चाहिए भाई, तभी तो मैप करेगा। अगर 2 byte यहां है तो 2 byte यहां भी होना चाहिए। अगर सपोज करो यहां पे पेज को चाहिए 4 byte, मेन मेमोरी में आपने 2 byte के फ्रेम बना रखे हैं, तो 4 byte जाएगा नहीं, है ना। तो यही मैं बताना चाह रहा हूं कि पेज साइज और फ्रेम साइज ये दोनों वैल्यू हमेशा इक्वल रहेंगी पेजिंग के अंदर। तो मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख देता हूं कि पेज साइज ऑलवेज इक्वल टू फ्रेम साइज के, ये बात आपको यहाँ पे मैंने बता दी इन पेजिंग, हमेशा पेज साइज फ्रेम साइज के इक्वल रहेगा। तो आपको कहानी समझ में आ गई होगी, एक बेसिक फिगर आपको समझ में आ गया होगा कि प्रोसेस छोटे छोटे पेजेस में डिवाइड होगी और मेन मेमोरी छोटे छोटे फ्रेम्स में डिवाइड होगा, पेज का साइज फ्रेम के साइज के बराबर रहेगा, देन ये पेज साइज करस्पॉन्डिंग फ्रेम्स को मैप कर दिया जाएगा जहां जहां पे स्पेस अवेलेबल होगा। अब देखिए ये कैसे करेगा, हम इसी का एक आपको एग्जांपल लेके आपको बताते हैं छोटा सा। यहाँ पर वही फिगर है जो अभी मैंने आपको बताया था, इसी फिगर को मुझे समझना है। अब सपोज करो ये हमारी फिजिकल मेमोरी है, ठीक है ना, हमने क्या किया, ये हमारी वही कैलकुलेशन 16 byte इसका टोटल स्पेस था और एक पेज फ्रेम का साइज था 2 byte, तो हमारी कितने फ्रेम्स बन जाएंगे, 8 frames। तो मैं इसको 8 parts में पहले डिवाइड कर लेता हूं, देखना 0, 1, 2, 3 छोटा हो गया, ठीक है। इस तरीके से मैंने इसको 8 portions में बांट लिए और नंबरिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होगी, तो ये हो गया फ्रेम नंबर 0, फ्रेम नंबर 1, फ्रेम नंबर 2, फ्रेम नंबर 3, फ्रेम नंबर 4, फ्रेम नंबर 5, 6 and 7। तो ये टोटल जो हमारी मेमोरी थी ये 16 byte की थी, इसको हमने क्या किया, 2 byte का हमारा फ्रेम का
साइज था तो 8 पार्ट में डिवाइड। अब मैं इसमें पोजीशन भी डाल देता हूं, 16 बाइट है ना टोटल, एक में कितने बाइट दिए मैंने, 2 बाइट, तो 0 1, 2 बाइट आ गई ना, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो जो फिजिकल मेमोरी का टोटल 16 बाइट था उसको मैंने मैप करा दिया। देखिए 0 से लेके 15 तक की सारी वैल्यू आ गई, 2-2 बाइट सभी में है क्योंकि फ्रेम साइज 2 बाइट दी गई है, और टोटल नंबर ऑफ फ्रेम्स कितने बनेंगे, 8, तो मैंने ये 8 फ्रेम्स बना दिए, इसमें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। अब देखिए आगे, अब हमारे पास कोई एक प्रोसेस आती है, कोई एक प्रोसेस आती है और उस प्रोसेस का जो टोटल साइज है वो 4 MB का है, 4 बाइट टोटल साइज है, तो फ्रेम साइज और इधर पे पेज साइज दोनों सेम रखे जाएंगे, तो 4 बाइट डिवाइडेड बाय 2 बाइट, तो कितने नंबर ऑफ पेज बनेंगे, 2, तो यहां पर मैंने 2 पेज बना दिए, ये लो पेज नंबर 0, पेज नंबर 1, और सभी की 2 4 बाइट की है और अंदर सबका साइज 2 बाइट है, तो 0 1 2 3, करेक्ट। ये हमारी प्रोसेस थी जो 4 बाइट की थी, तो हर एक पेज का साइज 2 बाइट, तो 0 1 2 3 पेज, 2 पेज बना दिए, और ये हमारी फिजिकल मेमोरी थी, ये 16 बाइट की थी, तो टोटल स्पेस मैंने 0 से 15 तक दिखा दिया, 2 बाइट हर एक में, और कितने फ्रेम्स आपको बनेंगे, 8, तो 8 इधर बनेंगे, और ये साइज सेम रहेगी, तो देखो 2 बाइट इधर भी है, 2 बाइट इधर भी, हमें क्या चीज सेम रखनी है, ये वाली चीज, इधर आपका पेज का साइज जो है वो सेम रहना चाहिए 2 बाइट, और इधर आपका फ्रेम का साइज सेम रहना चाहिए 2 बाइट। अब ध्यान रखना, जब भी हम पेज की बात करेंगे तो पेज जो होगा वो प्रोसेस के सेंस में होगा, और जब भी हम फ्रेम की बात करेंगे तो वो फ्रेम जो होगा हमारा वो मेमोरी के सेंस में, ठीक है ना। तो मेमोरी में क्या होता है, फ्रेम नंबर, और इधर पेज में क्या होता है, पेज नंबर, यहाँ पे होता है पेज साइज और यहाँ पे होता है फ्रेम साइज, पेज साइज ऑलवेज इक्वल होनी चाहिए फ्रेम साइज के, इतनी बात क्लियर हो गई। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और समझिए, ऊपर ही समझा देता हूं, आप लोग ये पढ़ चुके हैं, सपोज करो हमें 4 बिट का रिप्रेजेंटेशन करना है, तो 4 बिट रिप्रेजेंट करने के लिए आपको कितने बिट की जरूरत पड़ेगी, सपोज करो कोई वैल्यू 4 है तो हमें इसको अगर रिप्रेजेंट करना है बाइनरी में तो कितने बिट की जरूरत पड़ेगी, या ऐसे कह लीजिएगा कि बिट मत लिखिए इसको, मैं कंफ्यूज हो जाएंगे आप, जनरल टर्म में ऐसे समझिए, अगर हमें कहीं पर 4 वैल्यू रिप्रेजेंट करनी है कंप्यूटर साइंस में तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कितने बिट से, 2 बिट से, कौन कौन से, 0 0 0 1 1 0 1 1, तो हमें 2 बिट चाहिए, 2 बिट 2 बिट 2 बिट 2 बिट। अगर हमें एक वैल्यू रिप्रेजेंट करनी है तो सिंपल कितनी बिट चाहिए आपको, 1 बिट, सॉरी 2 वैल्यू अगर रिप्रेजेंट करनी है तो कितनी बिट चाहिए, 1 बिट, कौन कौन सी, 0 या फिर 1, 2 वैल्यू रिप्रेजेंट हो गई। अगर मुझे 2 वैल्यू रिप्रेजेंट करनी है तो 1 बिट चाहिए, अगर हमें 4 वैल्यू चाहिए तो 2 बिट चाहिए, अगर हमें 8 वैल्यू रिप्रेजेंट करनी है तो 3 बिट चाहिए, जैसे 0 0 0 1 2 3 4 5 6 और 7, इस तरीके से आप 8 वैल्यू रिप्रेजेंट कर लेंगे, 0 to 7, यहाँ पे 0 to 0 1 2 3 और ये 0 to 1, सीधा सा फॉर्मूला होता है कि जितनी वैल्यू आपको रिप्रेजेंट करनी है 2 to the power n के फॉर्म में चलता है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, आप लोग पहले भी पढ़ चुके होंगे कि कंप्यूटर साइंस में अगर 8 वैल्यू आपको कंप्यूटर में रिप्रेजेंट करनी है तो हमें कितनी बाइनरी, कितनी बिट चाहिए, 3 बिट, ठीक है ना, 3 बिट कैसे चाहिए, 1 2 3, ठीक है ना, यहाँ पे देखिए हर जगह 3 बिट है, अगर 4 वैल्यू रिप्रेजेंट करनी है तो 2 बिट चाहिए और 2 बिट रिप्रेजेंट करनी है तो फिर 1 बिट चाहिए, ठीक है ना। तो जितनी बिट आपको रिप्रेजेंट करनी है वो 2 to the power n, तो n आपकी नंबर ऑफ बिट्स हो जाती है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब देखिए आगे वापस इसी फिगर पे आते हैं, अब ये प्रोसेस हो गई, ये फिजिकल मेमोरी हो गई, ठीक है। अब देखिए आपको समझाते हैं, जो मैंने कहा था ना ऑफसेट क्या होता है, ऑफसेट होता है बाइट वैल्यू, जैसे कि ये 0 और 1 है ना, तो इसका हो गया ऑफसेट 0, इसका हो गया ऑफसेट 1, ठीक। इसके बाद इधर देखिए, जैसे ये लिखा है 2 और 3, तो ये ऑफसेट वैल्यू क्या होगी, इसकी ऑफसेट वैल्यू 0 या ऑफसेट वैल्यू 1, इस तरीके से, ठीक। तो
तो अब आपको ऑफसेट वैल्यू क्लियर हो गया होगा। ऑफसेट वैल्यू मतलब बाइट वैल्यू, अभी और आगे डिटेल में क्लियर हो जाएगा, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो अभी और आगे क्लियर हो जाएगा, देखते रहिए। अब ये प्रोसेस जो हमारी आई, ये हमारी सेकेंडरी मेमोरी में मैप हो, सॉरी मैं बार बार सेकेंडरी मेमोरी कह देता हूँ, ये हमारी जो प्रोसेस आई ये फिजिकल मेमोरी में या प्राइमरी मेमोरी में मैप होनी नॉन कॉन्टिगस मैनर। हमने क्या किया, सपोज करो ये स्पेस था, ये हमारा ऑक्यूपाइड है, ये हमारा ऑक्यूपाइड है, ये भी हमने सपोज करो ऑक्यूपाइड है, जीरो और वन ये वाली जो बाइट थी ये हम ले आए फोर और फाइव पे, ठीक। इसके बाद ये भी हमारा ऑक्यूपाइड हो गया, ये भी हमारा ऑक्यूपाइड हो गया, ठीक। हमने क्या किया, जीरो और वन वाले को हमने मैप करा दिया यहां पर इस पोर्स, ठीक। और जो ये पेज नंबर वन था इसको हमने मैप करा दिया यहां पर, ये अब दो नॉन कॉन्टिगस फील्ड हो गई। एक प्रोसेस पूरी एक थी, इसका पेज नंबर जीरो हमने मैप करा दिया फ्रेम नंबर टू पे, और ये पेज नंबर वन हमने मैप करा दिया फ्रेम नंबर फोर पे, ठीक। तो अब देखो पेज टेबल क्या रखता है, पेज टेबल के पास करस्पॉन्डिंग पेज नंबर और फ्रेम नंबर की मैपिंग रहेगी, ठीक। तो अब ये पेज टेबल में हमारे पास कितने पेज थे, यहां पर दो पेज हैं, पेज नंबर जीरो और पेज नंबर वन, ठीक। और पेज नंबर जीरो हमारा कहां मैप है, फ्रेम नंबर फोर पे, तो सपोज पेज नंबर जीरो मैप है हमारा फ्रेम नंबर टू पे, तो यहां पर ये रखेगा करस्पॉन्डिंग वैल्यू फ्रेम नंबर टू, और पेज नंबर वन कहां पर मैप है, फ्रेम नंबर फोर, ये एंट्री यहां पे रहेगी। आपको कहानी क्लियर हो गई, प्रोसेस आई, उस प्रोसेस को दो पेज में डिवाइड किया, दो पेज में डिवाइड होने के बाद एक पेज हमने उठा के रख दिया यहां पर पेज नंबर जीरो, और एक पेज यहां उठा के रख दिया यहां पर पेज नंबर वन। इसकी इंफॉर्मेशन कहां पर रहेगी, पेज टेबल में, पेज नंबर जीरो फ्रेम नंबर टू पे है और पेज नंबर वन फ्रेम नंबर फोर पे है। अब देखिए, अब सीपीयू ने कहा कि भाई मुझे एग्जीक्यूट करना है इंस्ट्रक्शन नंबर थ्री, इंस्ट्रक्शन नंबर थ्री का मतलब ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट करना है। अब बेसिकली ये क्या है, लॉजिकल एड्रेस, सीपीयू ने तो जनरेट कर दिया कि भाई मुझे प्रोसेस का पार्ट नंबर थ्री एग्जीक्यूट करना है, थर्ड जो ये पार्ट है ये मुझे एग्जीक्यूट करना है, ये एड्रेस एग्जीक्यूट करना है। अब ये बेसिकली फिजिकल मेमोरी में कहां पर मैप है, देखो जीरो और वन हमने मैप किया था इधर फोर और फाइव पोजीशन पे, टू और थ्री हमने मैप किया है एट और नाइन्थ पोजीशन पे, तो ये थ्री वाला जब एग्जीक्यूट करेगा सीपीयू तो प्राइमरी मेमोरी में इसको कौन सी लोकेशन चाहिए, नाइन्थ वाली। तो ये थ्री टू नाइन्थ वाला जो कन्वर्जन है, मतलब लॉजिकल एड्रेस टू फिजिकल एड्रेस वाला जो कन्वर्जन है, इस काम को कौन परफॉर्म करता है, मैंने लास्ट यूनिट में बताया था मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट, ये मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट आपकी थर्ड एड्रेस से नाइन्थ एड्रेस में कन्वर्जन का काम करेगी विद द हेल्प ऑफ दिस सिस्टम, ये जो सिस्टम हम आपको बता रहे हैं। अब देखो भाई ये कन्वर्जन होगा कैसे, अब इस कन्वर्जन की प्रोसेस को देखते हैं। सीपीयू ने बोला कि मुझको चाहिए था कौन सा बाइट, थ्री, बाइट नंबर थ्री, ठीक है मैंने याद। अब जो ये टेबल बनी हुई है ना, इसके लिए ये जो बना हुआ है सीपीयू के लिए, इसमें होता क्या है, पेज नंबर और ऑफसेट, मैं आपको बता चुका था, यहां पर दिया जाता है पेज नंबर और यहां पर दिया जाता है ऑफसेट, शॉर्ट में यहां पर क्या दिया जाता है, फ्रेम नंबर और ऑफसेट, इनका और थोड़ा सा डिटेल आप नीचे समझ लीजिएगा। अब देखो पेज नंबर क्या होता है और ऑफसेट फील्ड क्या होता है, देखो आपको यहां पर कितनी बाइट थी पेज में आपके पास, दो बाइट, जीरो और वन। अभी मैंने आपको बताया कि अगर दो बाइट हैं या दो वैल्यू हैं तो उनको रिप्रेजेंट करने के लिए आपको कितने बिट की जरूरत पड़ेगी, एक बिट की, तो ये हो गई आपकी ऑफसेट वैल्यू एक बिट, एक बिट यहां पे लिख देते, यहां पे तो वैल्यूज लिखी नहीं, तो इसमें कितने बिट की जरूरत पड़ेगी उसको, एक बिट। अब यहां पे क्या आएगा, पेज नंबर, आपके पेज नंबर कितने हैं, वो भी दो हैं, देखिए पेज नंबर जीरो और पेज नंबर वन दो ही वैल्यू हुई, तो उनको रिप्रेजेंट करने के लिए आपको कितने बिट चाहिए होगी, वन बिट। बात समझ आ गई, पेज नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको दो वैल्यू रिप्रेजेंट करनी है, जीरो और वन, तो एक बिट में रिप्रेजेंट हो जाएगी, आइदर दैट वैल्यू विल बी जीरो और वन, और यहां पर ऑफसेट आपकी बाइट वैल्यू कितनी है, एक पेज में दो है, जीरो या वन, तो दो वैल्यू रिप्रेजेंट करने के लिए कितनी बिट चाहिए, सिंगल बिट, तो वो भी या तो आइदर जीरो होगी या फिर वन। तो ये आपका जो लॉजिकल एड्रेस है इसमें जो पेज नंबर और ऑफसेट है ये इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में दो बिट में मैनेज हो जाएगा। अब जरा देखते हैं फिजिकल एड्रेस कैसे मैनेज होगा हमारा, ये हमारी है फिजिकल एड्रेस, ठीक। तो फिजिकल एड्रेस में फ्रेम नंबर और ऑफसेट होगा, तो टोटल कितना था आपका, 16 बाइट,
तो 16 वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको कितनी बिट चाहिए? 4, अभी मैंने बताया, ये देखो ऊपर। 2 वैल्यू रिप्रेजेंट करनी है तो 1 बिट, 4 वैल्यू रिप्रेजेंट करनी है 2 बिट, 8 पे 3 बिट, अगर 16 वैल्यू रिप्रेजेंट करनी है तो 4 बिट, 2 to the power n, तो 2 to the power 4, ठीक। तो यहां पर देख लीजिए, टोटल आपको जो बिट चाहिए होगी वो टोटल बिट कितनी चाहिए होगी आपको? 4 बिट टोटल। बट ये भी अगेन दो पार्ट में डिवाइड है, फ्रेम नंबर और ऑफसेट, मैंने यहां पे लिखा हुआ है फ्रेम नंबर और ऑफसेट, ठीक है। ऑफसेट में कितनी? ऑफसेट में देखो कितनी वैल्यू थी, दो ही वैल्यू है, 0 और 1, लाइक दिस। जैसे यहाँ पे 0 और 1, ऐसे यहाँ पे 0 और 1 है, तो ये दो ही वैल्यू है, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे आप? सिंगल 1 बिट से, ठीक है ना। अब नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं? 0 से लेके 7 तक, 8, तो 8 वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको कितनी बिट चाहिए होंगी? 3 बिट, 3 बिट यहां पर, ठीक। अब मैं इनको अभी समझाने के लिए लिखा था, मैं ऊपर लिख देता हूं आपको, करेक्ट। फ्रेम 2 वैल्यू थी तो 1 बिट की जरूरत पड़ेगी, और फ्रेम नंबर 7 तो 3 बिट की जरूरत पड़ेगी। सेम कॉन्सेप्ट है जो यहां पर लगा था, यहां पर आपके पेजेस 2 पेजेस थे, 2 वैल्यू रिप्रेजेंट करने के लिए 1 बिट, और यहाँ पे 2 फाइट फील्ड थी, यहाँ पे ऑफसेट भी 2 ही थे, बाइट पेज साइज भी 2 बाइट का था, तो यहाँ भी 2 बाइट को रिप्रेजेंट करने के लिए 1 बिट चाहिए। ऐसे यहाँ पर पेज फ्रेम साइज कितना था? 2 बाइट, तो फ्रेम साइज 2 बाइट को रिप्रेजेंट करने के लिए 1 बिट, और फ्रेम नंबर कितने फ्रेम्स जरूरत पड़ रही है आपको यहाँ पर? 8, तो ये 3 बिट में आएगी, 0 to 7, तो 3 बिट, और टोटल कितने हो गए? 3 और 1 4, आप ऐसे भी देख सकते हैं और आप ऐसे भी देख सकते हैं। ऐसे यहाँ पर भी देख लीजिएगा, आपको यहाँ पे कितने बिट रिप्रेजेंट करनी थी? टोटल 4, 0 1 2 3, तो 4 बिट के लिए कितनी टोटल बिट चाहिए? 2 बिट, तो 1+1 कितना हो गया? 2 बिट। तो ये जो लॉजिकल एड्रेस था वो इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा, और जो ये फिजिकल एड्रेस की ये वाली जो फ्रेम नंबर ऑफसेट है वो इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा। अब सीपीयू ने बोला कि भाई मुझे चाहिए बाइट नंबर 3, तो आप क्या करिए, बाइट नंबर 3 को बाइनरी में कन्वर्ट करिए, तो वो हो जाएगा 1 and 1, ठीक। तो ये 1 and 1 यहां आ गया। इसका मतलब क्या है कि ये जो है भाई पेज नंबर 1, पेज नंबर 1, और इसका मतलब क्या है कि ऑफसेट वैल्यू इज ऑल्सो 1, ठीक। अब ये आया इस टेबल में, इसको पता चला भाई पेज नंबर 1 में है ये चीज, तो अब ये पूछेगा इससे कि भाई पेज नंबर 1 जो है वो कौन से फ्रेम से मैप है? ये तुरंत बताएगा कि फ्रेम नंबर 4 से मैप है, ठीक, आ गया फ्रेम नंबर 4। अब ये यहां से इस वाले में आएगा कि आपका जो फ्रेम नंबर 4 है उसका ऑफसेट वैल्यू कहां जा रहा है, तो ये जो टेबल बनी हुई होगी इसमें सारे फ्रेम नंबर की एंट्री होगी, जितने भी फ्रेम नंबर है, 0 की भी होगी, 1 की होगी, 2 की भी होगी, 3 की होगी, 4 की भी होगी, 5 की होगी, 6 की भी होगी, 7 की भी होगी। तो 4 सपोज करो, 4 तो 4 का अगर मैं यहां पर बना दूं, केवल सारे नहीं लिख रहा हूं, तो 4 का बाइनरी क्या होता है? 100, है ना। तो 100 का 0 ऑफसेट भी होगा और 1 ऑफसेट भी होगा। मैं यहां पे 2 एंट्री कर देता हूं, चलिए फ्रेम नंबर 4 जो था हमारा, ये फ्रेम नंबर 4, फ्रेम नंबर 4 का तो बाइनरी हो गया 100, ये हो गई ऑफसेट वैल्यू 0 और ये हो गई ऑफसेट वैल्यू 1। तो इसने बताया कि पेज नंबर 3 जो आपको चाहिए था, तो पेज नंबर सॉरी इस टेबल में जब आपने देखा कि पेज नंबर 1 जो था वो किस फ्रेम से मैप है, तो इस टेबल से पता चला कि पेज नंबर 1 फ्रेम नंबर 4 से मैप है, तो फ्रेम नंबर 4 पे ये पहुंच गया। अब पूछेगा भाई फ्रेम नंबर 4 पे आपको कौन सी ऑफसेट वैल्यू चाहिए, तो हमारे ने देखा कि हमारी ऑफसेट वैल्यू क्या थी? 1, तो 1 पे ऑफसेट वैल्यू ये, तो वो इस फील्ड को एक्सेस करेगा, तो ये टोटल वैल्यू क्या होगी? 1001, तो ये किसका बाइनरी होता है? 12489 का। इस तरीके से पता चल जाएगा कि जो सीपीयू ने इंस्ट्रक्शन नंबर 3 मांगा था वो फिजिकल मेमोरी में 9th पोजीशन पे मैप है। इस तरीके से सारी प्रोसेस कंप्लीट होती है। अगर नहीं समझ में आया, मैं एक और एग्जांपल लेके आपको समझाता हूं। फॉर एग्जांपल, मैंने कलर चेंज कर दिया है। फॉर एग्जांपल सीपीयू ने बोला मुझे चाहिए इंस्ट्रक्शन नंबर 2, तो क्या करेगा? 2 का बाइनरी क्या होगा? 10, तो यहां 11 की जगह पर क्या आ जाएगा? मैं यहां पे बना देता हूं 10, इसका मतलब क्या हुआ? पेज नंबर 1। तो अब देखेगा तुरंत इसमें पेज नंबर 1 कहां पे मैप है। पेज नंबर 1 इज मैप्ड ऑन फ्रेम नंबर 4,
तो अब ये आ गया इस टेबल में फ्रेम नंबर 4 की टेबल पे। 4 पे अब ये पूछेगा कि दो ऑफसेट है हमारे पास, फ्रेम साइज 2 था, आपको कौन सा वाला ऑफसेट चाहिए। इसने बोला कि मेरा जो ऑफसेट है वो ऑफसेट नंबर 0 है, तो ऑफसेट नंबर 0 रहा ये। तो अब क्या हो गया, 100 100 एंड 0, दिस वन ये किसका बाइनरी है, 1248। इसका मतलब ये है कि फ्रेम जो आपने सीपीयू ने रिक्वेस्ट किया था इंस्ट्रक्शन नंबर 2, ये फिजिकल मेमोरी में या मेन मेमोरी में फ्रेम नंबर 8 पर मैप है, पोजीशन नंबर 8 पर मैप है। तो ये 2 वाला हमारा जाहिर सी बात है कहां पर आएगा, 8th वाली पोजीशन पर आएगा, और जैसा मैंने अभी बताया 3 वाला 9th पोजीशन पे आएगा। इस तरीके से पेजिंग का यूज करके हम लोग नॉन कॉन्टिगस मैनर में एक प्रोसेस को एलोकेट कर सकते हैं। मैं इन शॉर्ट एडवाइस करता हूं, एक प्रोसेस होगी उसको हम अलग अलग पेजेस में डिवाइड करेंगे, और जो मेन मेमोरी होगी उसको हम अलग अलग फ्रेम में डिवाइड करेंगे, और डिवाइड कैसे करेंगे, बेस्ड ऑन द फ्रेम साइज और बेस्ड ऑन द पेज साइज। पेज साइज ऑलवेज इक्वल टू द फ्रेम साइज, मतलब यहां पर अगर 2 बाइट मैप हो रही है तो यहां पर भी 2 ही बाइट रहेंगी, ठीक। फिर उसके करस्पॉन्डिंग मैपिंग करेंगे, और सीपीयू कैसे एग्जीक्यूट करेगा उसकी प्रोसेस मैंने कंप्लीट आपको ये बता दी, ठीक। ये तो थी पूरी प्रोसेस। अब इन शॉर्ट समझो, अगर एग्जाम में न्यूमेरिकल आता है तो आपको मैं एक सीधा फॉर्मूला बता देता हूं, फिजिकल एड्रेस निकालने का, पेज साइज मल्टीप्लाइड बाई फ्रेम नंबर प्लस ऑफसेट वैल्यू, इससे आप निकाल सकते हैं। जैसे देखिए, मुझे निकालना था फ्रेम नंबर, हमें निकालना था 3rd बाइट का, तो आपकी पेज साइज कितनी है, 2 बाइट है, देखिए दोनों जगह मैंने फिक्स कर रखी है, 2 बाइट इनटू फ्रेम नंबर। फ्रेम नंबर किससे मैप था, यहां से देखिए पेज टेबल से आपको पता चल जाएगा कि फ्रेम नंबर कहां पे जा रहा है, तो ये जो है हमारा पेज नंबर 1 पे जा रहा है, पेज नंबर 1 से करस्पॉन्डिंग हमारा फ्रेम नंबर 4 हो गया, और ऑफसेट वैल्यू क्या है इसकी, 3 की 1, तो 4 प्लस 2 इक्वल टू 1 इक्वल टू 9, ये आपको गिवन होगा या आप एग्जाम में बना लेंगे। भाई जो आपका 3rd पोजीशन दी गई थी तो आप इस तरीके से बनाएंगे कि फ्रेम साइज 2 बाइट दी गई, 0 1 2 3, ऑफसेट वैल्यू, तो पेज साइज 2 बाइट थी तो पेज साइज हो गई 2 बाइट, फ्रेम नंबर निकालने के लिए आपको चाहिए करस्पॉन्डिंग पेज नंबर, तो करस्पॉन्डिंग पेज नंबर आप यहां से देख लेंगे, पेज नंबर इस यहां पर आ रहा है, इस पेज नंबर के करस्पॉन्डिंग कहां पर मैप किया गया है, ये प्लस 1, ऑफसेट वैल्यू आप यहां से देख लेंगे ऑफसेट वैल्यू 0 है या ऑफसेट वैल्यू 1 है, तो इस तरीके से आप निकाल लेंगे 9, ठीक। अगर ये न्यूमेरिकल क्लियर नहीं हुआ है तो अभी मैं आगे आपको फुल एक न्यूमेरिकल लेके कराऊंगा, तो उससे आपको समझ में आएगा। तो इस डायग्राम से आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमारी जो कैलकुलेशन चलती है पेजिंग में वो किस हिसाब से होती है। अब देखो छोटा सा और थोड़ा सा वीडियो और लंबा करेंगे, देखो वीडियो छोटा या बड़ा फर्क नहीं पड़ता, आपको समझ में आ जानी चाहिए। अब आपको एग्जाम में लिखने के लिए कुछ कंटेंट चाहिए, अब ये डायग्राम तो आपके समझ में आ गया, लेकिन ये डायग्राम एग्जाम में थोड़ी ना समझाओगे, वहां कैसे समझाओगे, वहां मैं अब आपको कुछ पॉइंट बताता हूं। ये मैंने कुछ पॉइंट यहां पर लिखे हुए हैं, ठीक है ना, इस तरीके से थोड़ी सी क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा पेज की तो आपको क्लियर दिख जाएगा। ये देखिए ये फिगर बना हुआ है, ये आपका क्या है 32 बिट मेमोरी है, और आपका फ्रेम साइज दिया गया है 4 बाइट, फ्रेम साइज दिया गया है 4 बाइट, और पेज का साइज भी फिर कितना होगा, 4 बाइट ही होगा, जाहिर सी बात है मैंने बोला था दोनों के साइज इक्वल होने चाहिए, तो इधर पेज का साइज आपका 4 बाइट है, इधर फ्रेम का साइज आपका 4 बाइट है। ये मेन मेमोरी के पेज नंबर 0, पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, और ये इधर मैप है, यहां पर देखिए पेज नंबर 0 यहां पे मैप है, पेज नंबर 1 जो है वो हमारा इधर मैप है, पेज नंबर 2 ये मैप है, पेज नंबर 3 ये मैप है नॉन कॉन्टिगस फैशन। तो ये लॉजिकल मेमोरी है, ये फिजिकल मेमोरी है, ये आपके दिए गए हैं क्या पेज नंबर, सॉरी फ्रेम नंबर, ठीक है ना, और ये दिया गए हैं पेज नंबर, ठीक। और ऑफसेट वैल्यू देखिए, इसकी ऑफसेट वैल्यू 0, इस वाले की ऑफसेट वैल्यू 1, इस वाले की ऑफसेट वैल्यू 2, इस वाले की ऑफसेट वैल्यू 3। इस फिगर में आओगे अगेन ऑफसेट वैल्यू 0 1 2 3 0 1 2 3, क्यों 4 बाइट है ना, तो 4 बाइट में हमें 4 ऑफसेट चाहिए होंगे, 0 1 2 3, इस तरीके से तभी तो 4 बाइट मैप हो पाएंगे। अब ये पेज टेबल बनी हुई है, पेज टेबल में ये दिए गए हैं पेज नंबर और ये दिया गया है फ्रेम नंबर। अब देखिए पेज नंबर 0 है तो 0 ये है ना, ठीक, तो ये हमारा जो फ्रेम नंबर है, फ्रेम नंबर भी डाल देता हूं मैं, 0
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो पेज नंबर 0 किससे मैप है? फ्रेम नंबर 5 से। तो 0 फ्रेम नंबर 5 से। अब फ्रेम नंबर 5 छोटा तो है नहीं, बड़ा है ना, यहां से यहां तक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 5 का बेस एड्रेस दे देते हैं, ठीक है ना। ऐसे ही फ्रेम नंबर, पेज नंबर 1 जो है वो कहां पर मैप है? फ्रेम नंबर 6 के साथ। तो 6 यहां से लेके यहां तक है ना, तो यहां पर हम 6 का बेस एड्रेस दे देते हैं। ऐसे ही फ्रेम नंबर, पेज नंबर 2 कहां मैप है? पेज नंबर 2 फ्रेम नंबर 1 पे। तो ये एंट्री यहां पर हो गई। इसके बाद यहां पर देखिए थर्ड नंबर 3 पेज नंबर जो है वो कहां पर मैप है? फ्रेम नंबर 2 पे। तो 3 जो है ये फ्रेम नंबर 2 पे। तो ये हो गया पेज नंबर और ये हो गया आपका फ्रेम नंबर। तो ये हो गई पेज टेबल, ये लॉजिकल मेमोरी वाला पोर्शन और ये फिजिकल मेमोरी वाला पोर्शन। अब देखो इसके पॉइंट आपके क्लियरली समझ में आएंगे। पेजिंग इज अ मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम दैट परमिट्स द फिजिकल एड्रेस स्पेस ऑफ अ प्रोसेस टू बी नॉन कॉन्टिगस, ठीक है, इसमें कोई बात है ही नहीं। फिजिकल मेमोरी इज ब्रोकन इनटू फिक्स्ड साइज ब्लॉक कॉल्ड फ्रेम्स। तो ये देखिए फिजिकल मेमोरी आपकी बनी हुई है, इसको हमने ये फ्रेम्स में डिवाइड कर दिए। फिक्स्ड साइज, फिक्स साइज मतलब जितनी साइज दी जाएगी, 4 बाइट दी गई थी फ्रेम साइज आपको। लॉजिकल मेमोरी इज ब्रोकन इनटू ब्लॉक्स ऑफ सेम साइज, सेम साइज मतलब जितना फ्रेम साइज होगा उतना ही पेज साइज होगा, कॉल्ड पेजेस। लॉजिकल मेमोरी को पेज में डिवाइड कर रहे हैं और फिजिकल मेमोरी को फ्रेम्स, वही बात जो बताई। व्हेन अ प्रोसेस टू बी एग्जीक्यूटेड इट्स पेजेस आर लोडेड इनटू अवेलेबल मेमोरी फ्रेम्स, पेज साइज विल बी सेम एज फ्रेम साइज, करेक्ट। एवरी एड्रेस जनरेटेड बाई सीपीयू, कौन सा होगा वो? लॉजिकल एड्रेस। इसको दो पार्ट में हम लोग बांटेंगे, कौन कौन सा? पेज नंबर और पेज ऑफसेट। अभी मैंने आपको बताया इस तरीके से ये पूरी प्रोसेस, पेज नंबर और ऑफसेट क्या होता है सारा डिटेल बता चुका हूँ। पेज नंबर इज यूज्ड एज इंडेक्स इनटू अ पेज टेबल, पेज नंबर इसके इंडेक्स के लिए। इसी में तो आप देखते हो कि पेज नंबर 0 कहां मिला, पेज नंबर 1 कहां मिला। पेज टेबल कंटेंस द बेस एड्रेस ऑफ ईच पेज इन फिजिकल मेमोरी। पेज टेबल में क्या होता है? फिजिकल एड्रेस। मैंने आपको बताया ना, पेज नंबर 0 अगर फ्रेम नंबर 5 से मैप है तो फ्रेम नंबर 5 यहां से शुरू होकर यहां पे खत्म है ना, तो पूरा एड्रेस नहीं देंगे हम, बेस एड्रेस दे देंगे, उससे उसको पता चल जाएगा कि कितने बाइट आगे जा रहे हैं। दिस बेस एड्रेस इज कन्फाइंड विद पेज ऑफसेट। तो ये देखिए पेज नंबर, ये ऑफसेट, अभी मैंने आपको डिटेल में बता दिया कि ये 2 to the power m या 2 to the power n के फॉर्म में जाती है। ये कैलकुलेशन मैंने अभी पूरी आपको करके बताई, टोटल आपकी m बाइट हो जाएगी। तो ये अगर n बाइट है तो ये m माइनस n बाइट, अभी मैंने बताया था ना लास्ट वाले में। पेज नंबर, पेज ऑफसेट सेम उसी तरीके से फ्रेम नंबर और फ्रेम ऑफसेट की कहानी, इस तरीके से जब मैंने बाइट के आपको बताया था 1 bit इधर 1 bit इधर, और फिजिकल मेमोरी के केस में क्या बताया था, 3 bit इधर और 1 bit इधर, टोटल 4 byte, वही बात ये बता रहा है, ठीक है ना। अब देखिए जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, फिजिकल एड्रेस इज इक्वल टू पेज साइज इनटू फ्रेम नंबर प्लस ऑफसेट वैल्यू। तो ये चीज आप एग्जाम में पॉइंट्स ऑफ साइज सारे लिख सकते हैं। ये फिगर मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि अगर मैं ये फिगर यहां नहीं डालता तो आपको ये चीज समझ में नहीं आती। अब एक छोटा सा न्यूमेरिकल देख लीजिए, वही फिगर है, लॉजिकल मेमोरी, फिजिकल मेमोरी, वही पेज टेबल जो अभी मैंने समझाई थी उसी पे बेस है। इसने कहा है फाइंड द फिजिकल एड्रेस ऑफ लॉजिकल एड्रेस 3। तो देखो पेज साइज कितनी दी, 4 byte, ये तो सब में फिक्स रहेगी, 4 byte, ये होगी पेज साइज। तो लॉजिकल एड्रेस 3 निकालना है, और मैंने 2 निकाल के दिखाया, लॉजिकल एड्रेस 13, इनका फिजिकल एड्रेस निकालना। तो दोनों में पेज साइज की वैल्यू हो गई 4, ठीक है ना। अब देखिए इनटू फ्रेम नंबर प्लस ऑफसेट वैल्यू है ना, तो ऑफसेट वैल्यू देख लीजिए, पहले ऑफसेट वैल्यू 0, ऑफसेट वैल्यू 1, ऑफसेट वैल्यू 2, ऑफसेट वैल्यू 3। तो लॉजिकल एड्रेस 3, इसकी ऑफसेट वैल्यू क्या होगी? 3। तो ये लिख दिया मैंने 3। लॉजिकल एड्रेस 13 कहां है? ये, तो इसकी ऑफसेट वैल्यू क्या होगी? ये 0, ये 1, ये 2 और ये 3। तो 13 वाली की ऑफसेट वैल्यू क्या है? 1। तो यहां पर लिख दिया मैंने ऑफसेट वैल्यू 1। अब फ्रेम नंबर कैसे निकालोगे? तो पहले ये देखो, जो हमारा लॉजिकल एड्रेस 3 है, ये लॉजिकल एड्रेस है, ये पेज नंबर कौन सा है? पेज नंबर 0। तो पेज नंबर 0 किस फ्रेम नंबर से मैप है? 5th फ्रेम नंबर से। ये 5th है ना, थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा तो आपको क्लियर दिख जाएगा, यहाँ पे 5 लिखा हुआ है। तो ये आ गया आपका 4 into 5, 4 into 5 हुआ कितना? 20 + 23 = 23। तो ये 23 पे मैप है। तो आप देख लीजिएगा ए वाला जो है, ये देखिए यहाँ पे हमारा मैप है। लॉजिकल एड्रेस 3 पे वैल्यू क्या थी? डी। तो डी ये रहा, तो 20, 21, 22, ये 20 लिखा हुआ है, 20, 21, 22, 23, इस तरीके से
आप आसानी समझ गए होंगे मैपिंग कैसे होती है। 13 वाले का देखो, 13 वाले की ये दोनों वैल्यू निकालना बता चुका था। इसका देखिए आप फ्रेम नंबर कौन सा है, ये फ्रेम नंबर 0 1 2 3, ये फ्रेम नंबर 3, सॉरी पेज नंबर 0 1 2 3, पेज नंबर 3। तो पेज नंबर 3 कहां मैप है, फ्रेम नंबर 2 से, तो फ्रेम नंबर 2। तो 4 × 2 + 1 = 9। तो आप देख लीजिएगा लॉजिकल एड्रेस 13, वैल्यू थी n, n हमारा ये रहा, ये किस पोजीशन पे था, 8 + 1 = 9। इस तरीके से आप न्यूमेरिकल कर सकते हैं। एक और न्यूमेरिकल है, इफ पेजेस ऑफ 2048 बाइट एंड प्रोसेस ऑफ 72766, हाउ मच फ्रेम्स विल बी नीडेड। सीधी सी बात है, 72766 से आप 2048 को डिवाइड कर दीजिएगा, 35 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा और इतने बाइट बच जाएंगे, तो टोटल हो जाएंगे आपके 36 फ्रेम समय जरूरत पड़े। ठीक, तो इस वीडियो में मैंने आपको नॉन कॉन्टिगस मेमोरी एलोकेशन की पेजिंग स्कीम कंप्लीटली मैंने आपको बताई है। अगर कहीं भी कोई भी डाउट आती है आप कमेंट सेक्शन में डालिएगा, तसल्ली से पढ़ लीजिएगा, आई विल रेस्पॉन्ड। ओके, थैंक यू।